हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ पतंजलि एलोवेरा जल का रिव्यू शेयर करूंगी। जी हाँ दोस्तों, ये एलोवेरा जल कैसा है, आपको इसे खरीदना चाहिए या नहीं, समर के लिए कैसा है, क्वांटिटी प्राइस क्या है, मैं सब कुछ आपको बताऊंगी, साथ में इसके बेनिफिट एंड यूजेस भी बताऊंगी। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर या चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आइए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग। तो इस तरीके की ट्यूब में आता है और ये इसकी बड़ी पैकेजिंग है, छोटा कुछ इस तरीके का है, मैं भी आपको पास से दिखा दूं तो आप इस तरीके देख सकते हैं। प्राइस की बात करते हैं तो सबसे पहले इसकी है ये क्वांटिटी जो इसकी है वो है 60 ml है, एंड प्राइस है मेरे ख्याल से 50 rupees के आसपास है। और शेल्फ लाइफ की बात करूँ तो इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो 18 months है, मतलब ये 1.5 साल के करीब आपको चल जाएगा। और बड़ी की जो बात करूँ तो क्वांटिटी 150 ml है और प्राइस 90 rupees। जी हाँ, मैंने इसे रिसेंट किया है, पहले आपको करीब ये 70 या 80 rupees के आसपास मिल जाता था, लेकिन अभी जो इसका प्राइस है वो है 90 rupees। तो प्राइस और क्वांटिटी की बात हो गई। अब मैं आपको बता दूँ कि ये दिखता कैसे, तो नॉर्मल जैसे आपने भी इसे यूज़ किया होगा, तो मेरे ख्याल से अब तक का ये सबसे सस्ता एलोवेरा जेल है बजट के हिसाब से बात करूँ। और मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी इसका बताया था कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या टीनेजर है तो आपकी अपने स्किन के अकॉर्डिंग से लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल भी पसीना नहीं होता है इसे लगाने के बाद। ये आपके स्टेंट आपकी स्किन में एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत नॉन ग्रीसी, आप इसे रात में भी लगा कर सो सकते, दिन में जितने बार चाहे उतने बार यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल जेल लाइक कंसिस्टेंसी में, बिल्कुल रनिंग जैसे बोलते हैं ना वाटर, और इसे लगाने के बाद आपको इंस्टेंट ठंडक सी मिलती है। जी हाँ, तो बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल भी आपको चिपचिप नहीं लगेगा और आपके स्किन पे को बिल्कुल मैटिफाई बना देगा। तो ये बहुत अच्छा है एलोवेरा जेल है। तो बात हो गई कि इसकी पैकेजिंग की बात को, तो ट्रैवल फ्रेंडली है कोई ज़्यादा नहीं, अगर आप बड़ी पैकेजिंग नहीं यूज़ लेना चाहते इसके तो छोटा पैक आप ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल 50 rupees में आपको मिल रहा है, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पैकेजिंग होगी, ये है कैसा मैंने आपको बताया, और आप देख सकते हैं इसको लगाने के बाद जो मेरी स्किन में ज़रा भी पसीना नहीं हुआ। आप इसकी स्किन ऑयली है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। तो ये दोस्तों ये बात हो गई ये कैसा है, अब मैं आपको बताती हूँ इसकी यूजेस बन। तो दोस्तों सबसे पहला जो हमारा टिप नंबर 1 है वो है लाइटन ब्लेमिशेस। जी हाँ, ये आपके दाग धब्बों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा एक्ने की प्रॉब्लम होती है, पिंपल की प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी सूट नहीं करता और आप समझ नहीं पाते कि आपको क्या लगाना चाहिए, कुछ ऐसा लगा जिससे कि आपकी स्किन जो लाइट हो जाए, साथ में स्पॉट्स भी रिमूव हो जाए, तो एलोवेरा से बेस्ट ऑप्शन, एलोवेरा जेल से बढ़िया ऑप्शन आपका के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। और बात करूँ पतंजलि के एलोवेरा जेल की, उसमें 90% एलोवेरा जेल है, सिर्फ 10% जो बोलूँगी उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ किए गए हैं। मैं आपको पास से दिखा दूँ तो आप देख सकते हैं इसमें 90% प्योर एलोवेरा जेल है और ये इसमें एडिड कलर प्रिजर्वेटिव वगैरह यूज़ करके किए, तो 90% आपको प्योर एलोवेरा जेल मिल रहा है और ये बहुत ही अच्छा भी है एलोवेरा जेल। तो ये आपकी ब्लेमिशेस को लाइट बनाता है, एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम को दूर करता है, क्योंकि इसमें एंटीसेप्टिक एंड इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है जो हम एक्ने पिंपल से दूर रखते हैं। तो ये फर्स्ट टिप होगी। टिप नंबर 2 मेरा जो है वो है सनबर्न। जी हाँ, गर्मियों में सनबर्न की प्रॉब्लम बिल्कुल कॉमन प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे मतलब बचाव करने के बाद भी अक्सर सनबर्न हो जाता है, तो बहुत अच्छा है ये। मैं कूलिंग प्रॉपर्टी, क्योंकि एलोवेरा में कूलिंग प्रॉपर्टी होती है जो हमारे सनबर्न को बिल्कुल इंस्टेंट लगाने पर ठंडक का एहसास कराता है और आपकी इसकी जो सनबर्न की प्रॉब्लम होती है उससे बहुत हद तक रिलीफ भी करता है। तो टिप नंबर 3 जो है वो मेरा है मेकअप रिमूवर। जी हाँ, ये नेचुरल मेकअप रिमूवर का भी काम करता है। आप ऐसे अपने फेस पे अगर आपने मेकअप लगा रखा है और आपके पास मेकअप रिमूवर ना हो या कुछ नेचुरल चाहते हैं, तो आप इसे एलोवेरा जेल को डॉटेड लेकर के अपने फेस पे लगा करके कॉटन से या कॉटन पैड का यूज़ करके मेकअप रिमूव कर लीजिए, आराम से आपके सारे मेकअप रिमूव हो जाएंगे। जी हाँ, 4th जो मेरा यूज़ है वो बहुत अच्छा है गर्मियों के लिए मेरी तरफ से। जी हाँ, आइस क्यूब। आप क्या कर सकते हैं, एलोवेरा जेल को रोज़ वाटर में मिक्स करके आप ऐसा आइस क्यूब भी बना करके यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जी हाँ, इंस्टेंट आपकी पोर्स को क्या करेगा, टाइट कर देगा, और जैसे मैंने बताया गर्मी से जब बाहर से आते बहुत ज़्यादा पसीना होते हैं, तो उन सब के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो मेरी ये टिप आप ज़रूर यूज़ करिएगा। तो टिप नंबर 5 जो मेरी है वो है फेस पैक। जी हाँ, अगर आप गर्मी में कोई सा भी फेस पैक बनाते हैं तो उसमें एलोवेरा जेल का यूज़ ज़रूर करिए। फेस पैक में क्या होता है, बहुत सारे डीआईवाई फेस पैक बना सकते हैं एलोवेरा के लिए। एलोवेरा जो होता है आपके स्किन के दो दाग धब्बों को तो रिमूव करता है, साथ में आपके फेस पे जो रिंकल की प्रॉब्लम होती है, झाइयाँ होती है, उन सबको रिमूव करके फेस पे बिल्कुल ग्लो सा ला देता है। तो बहुत अच्छा अगर आप एलोवेरा जेल का फेस पैक यूज़ करते हैं। तो टिप नंबर जो 6 है वो मेरी वो है नाइट क्रीम। जी हाँ, आप एलोवेरा जेल को एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। नाइट क्रीम में मैं आपको बता दूँ, आप नाइट क्रीम क्या कर, सिंपल से आपको कुछ नहीं यूज़ करना, आप एलोवेरा जेल लीजिए, थोड़ा सा 1 teaspoon की कप, उसमें थोड़ा सा 15 से 20 ड्रॉप आप उसमें कोकोनट ऑयल ऐड कर लीजिए या आमंड ऑयल यूज़ कर लीजिए, दैट्स इट।
आपका बढ़िया सा नाइट क्रीम बनकर के तैयार है और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव नाइट क्रीम होगी। आप इसे रात में लगा के सोचिए, मॉर्निंग में ठंडे पानी से मुंह धो लीजिए, आप देखिए कुछ दिनों में आपके फेस बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। टिप नंबर 7 जो मेरा है वो है हेयर मॉइस्चराइजर। जी हाँ, गर्मियों में बाल जो होते हैं बहुत ज़्यादा बेजान से हो जाते हैं, रूखे सूखे हो जाते हैं, बालों में कांटे पड़ जाती है, शाइन सी खत्म हो जाती है, तो इसे आप एज अ हेयर मॉइस्चराइजर, एज अ कंडीशनर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने से पहले क्या करिए, आधे घंटे पहले आप एलोवेरा जल लीजिए, फ्रेश एलोवेरा जल लीजिए, उसे अपने बालों की जड़ों से लेकर के इन तक लगाइए और आधे घंटे बाद माइल्ड शैम्पू से यूज़ कर बाल धो लीजिए। आपके बाल जो देखेंगे बहुत ज़्यादा शाइनिंग हो जाएंगे, बाल में बहुत ज़्यादा शाइनिंग आ जाएगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। तो टिप नंबर 8 जो मेरी है वो है डैंड्रफ के लिए। जी हाँ, अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा ट्रिप है, आप एलोवेरा जेल में टी ट्री ऑयल मिक्स करिए कुछ बूंदे उसको और उसके बाद अपने बालों में लगा लीजिए, आधे घंटे बाद बालों को धो लीजिए, आपके बालों में जितनी भी डैंड्रफ की प्रॉब्लम है वो सब खत्म हो जाएगी। जी हाँ, जो टिप नंबर 9 है वो है डार्क सर्कल के लिए। अगर आपके अंडर आई में डार्क सर्कल है या पफिनेस है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। तो आपको क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है, उस एलोवेरा जेल में आपको ग्रीन टी लेनी है, ग्रीन टी के पानी को मिक्स कर लीजिए जैसे जेल फॉर्म में बनाकर, आप उसे अप्लाई करके देखिए, आप इसे कुछ दिन एक हफ्ता यूज करके देखिए, आपके जो डार्क सर्कल है बहुत हद तक कम हो जाएंगे। और टिप नंबर 10 जो है वो मेरी बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, जी हाँ, आईब्रो जेल। अगर आप एलोवेरा जेल को अपनी आईब्रो पे यूज करते हैं तो ऐसे क्या होता है, जो आपकी आईब्रो होती है, सबसे पहले बात करूँ तो आपको जो मार्केट की जो आईब्रोज आते हैं जिससे आप अपने आईब्रो को घने दिखाने की कोशिश करते हैं, आईब्रोज आपकी जो होती है वो सेट हो जाती है, पार्टिंग जाते हैं और नेचुरल जाते हैं कि आईब्रोज को सेट करना, तो आप अपनी आईब्रोज को लगा कर सेट कर सकते हैं, आईब्रोज इससे बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, ये कुछ टिप्स थे मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, जो इसे आप यूज़ करके अपने स्किन को, अपने बालों को बहुत अच्छा बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, पैसे की बात बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत इफेक्टिव है। और साथ में जैसे मैंने कहा, बिल्कुल भी और पतंजलि के एलोवेरा जेल की बात करूँ, पर्सनली मुझे एलोवेरा जेल बहुत पसंद है, आप इसका किसी चंदर भी यूज़ कर सकते हैं, मैं फिलहाल इसका यूज़ कर रही हूँ। तो ये एलोवेरा जेल बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा अच्छे है, तो आपको ये एलोवेरा जेल मेरे ख्याल से बिल्कुल यूज़ करना चाहिए। रेटिंग की बात करूँ तो पर्सनली मैं इसे 5 में से 4 की रेटिंग दूंगी। जी हाँ, तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे इस वीडियो को बहुत सारा लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।